हेलो, वेलकम माय चैनल स्किल नॉलेज। आज का जो मेरा टॉपिक है, यहाँ पे एक डेटा मैंने तैयार कर रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, मैं ये चाह रहा हूँ कि इन सभी डेटा में अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट निकालूँ, रिपोर्ट जनरेट करूँ, जो 4 डिजिट का जिनका नाम है, जिसका नाम है, उसका ही यहाँ पे आंसर टोटल दिखे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है अजय का 3000 है, तो 3000 यहाँ पे दिख रहा है। बट वो शो कैसे करेगा, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फार्मूला जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। यही फार्मूला आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो कैसे करना होगा, आइए हम देखते हैं। तो पहले मैं हटा देता हूँ, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इक्वल SUMIF, समझे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ओके, देन हम इसमें रेंज दे देंगे, ये वाला नेम, वाला नेम रेंज दे देंगे। फिर यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, डबल नोट कॉमा में हम जितने अक्षर, यानी हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, यानी चार, जितना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे उस डिजिट के नेम का वो रिपोर्ट देगा। ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे नोटेड कॉमा से, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, देन हम यहाँ पे सैलरी वाली रेंज ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ओके, फिर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, अब हम इंटर कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे अजय का यहाँ पे 3000 दिखा रहा है, क्योंकि अजय का जो नेम है वो 4 डिजिट का है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।